हेलो दोस्तों आज के वीडियो में टॉप हंड्रेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम जी के करंट अफेयर्स एंड साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट तो किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तो सही उत्तर है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट तो फोर्टी सेकेंड को लाया गया था 1976 सेवेंटी सिक्स में यहाँ पे फोर एंड टू को जोड़ेंगे तो लास्ट में सिक्स आएगा अगर बात करें फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट की तो ये लाया गया था 1978 सेवेंटी एट में फोर एंड फोर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एट आएगा इस तरह आप याद रख सकते हैं ठीक है तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आते हैं आर्टिकल फिफ्टी वन ए में संविधान के पार्ट फोर ए में ठीक है अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ़ तो एक फ्यूज़ वायर किसका बना होता है तो ये टीन एंड लीड यानी कि जो टीन एस एन एंड लीड पी बी इसके अलवई यानी कि मिश्र धातु का बना होता है ठीक है मोहसिन राम इज़ लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय तो खासी हिल में मोहसिन राम स्थित है और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है तो मोहसिन राम में मेघालय में स्थित है तो मेघालय में तीन हिल्स है गारो खासी एंड जयंतिया ठीक है तो ये तीनों याद रखेगा तो मोहसिन राम ये कहाँ पे लोकेटेड है तो खासी हिल्स में गुरु शिखर पीक लोकेटेड इन विच स्टेट तो राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर पीक और ये हाइस्ट पीक है अरावली रेंज का जी एस टी काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल तो जी एस टी काउंसिल ये आते हैं आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए के तहत मतलब टू सेवेंटी नाइन ए में आते हैं जी एस टी काउंसिल अगर बात करें जी एस टी काउंसिल तो इसकी अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम कौन है तो निर्मला सीतारमन अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो हैवी वाटर एंड हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है डी टू ओ ठीक है तो इसमें हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में कहाँ पे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में तो मॉडरेटर क्या होता है तो इसका काम होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उसके स्पीड को कम करना अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ टेकन तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग किस कंट्री के किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो सही उत्तर है यू एस के ठीक है तो अलग अलग कंट्री का हम देख लेते थोड़ा सा तो यू से हमने क्या क्या लिया है तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक हैं और यह पार्ट थ्री में है भारतीय संविधान के ठीक है तीसरा है जुडिशियल रिव्यू तो ये तीनों हमने कहाँ से लिए हैं तो यू से ब्रिटेन से हम लोग क्या कह लिए हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट तो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दूसरा है जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस कौन कौन से हैं लोकसभा एंड राज्यसभा का जो जॉइंट सिटिंग होता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से और ये जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस ये किस में दिया है तो आर्टिकल 108 में कुछ अलग कंट्री हैं जैसे कि आयरलैंड आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यू यानी कि रसिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फ्रांस से लिया है आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अगला क्वेश्चन है विच वॉज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम तो पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट था राजस्थान राजस्थान के नागौर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ठीक है ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर तो नर्मदा एंड सोन रिवर की ओरिजिन है यानी कि उद्गम स्थल है अमरकंठक विच डिजीज इज़ कॉस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मेड डॉग तो कुत्ते के काटने से कौन सा डिजीज़ होता है तो रेबीज़ होता है और रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया होता है यानी कि पानी से डर लगने लगता है ओके बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला इन विच हाउस इज़ द मनी बिल फर्स्ट टेबल तो पहली बार मनी बिल को कहाँ पे पेश किया जाता है किस हाउस में तो लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में मनी बिल को पेश किया जाता है उसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाता है ठीक है तो मनी बिल मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल वन हंड्रेड एंड टेन में ठीक है अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसर इन इंडिया तो भारत में सबसे ज़्यादा आयरन और को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है तो यह है ओडिशा ठीक है अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू तो इलेक्ट्रिक मोटर यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ठीक है अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री तो ब्रह्मोस मिसाइल ये जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड किसका रसिया का ओके एंड पहला ब्राहमोस ऑर्डर ये मिला था फिलीपींस से व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी कि यू के द्वारा ठीक है एंड इसमें इंडिया की रैंक है वन थर्टी और टॉप करा था नॉर्वे ने अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन वुमेन सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीती है पी सिंधु तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पी सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती थी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूंट असेम्बली वॉज हेल्ड ऑन तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में एंड द लास्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूंट असम्बली तो लास्ट मीटिंग कब हुआ था तो 24 जनवरी 1950 में क्वेश्चन है वेन वर्स फर्स्ट बेटल ऑफ पानीपत फाउट तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था तो यह हुआ था 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी ठीक है तो इसमें बाबर की जीत हुई थी अगला क्वेश्चन है वैन वर्स सेकेंड बेटल ऑफ पानीपत फॉर्ट तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था तो यह हुआ था पंद्रह सौ छप्पन में यानी कि 1556 में बिटवीन अकबर एंड हेमू इसमें अकबर की जीत हुई थी ठीक है वैन वॉज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट तो पानीपत का तीसरा युद्ध यह हुआ था 14 जनवरी 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा तो इसमें अब्दाली की जीत हुई थी अगला क्वेश्चन है वैन वास बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी अंडर रोबर्ट क्लाइब तो इसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे रोबर्ट क्लाइब और इसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी तो ये कब हुआ था तो 1757 में अगला क्वेश्चन है वैन वास बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ट तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था तो सत्रह में बिटवीन ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुंडो एंड कम्बाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे सुजाउदौला अवध के नवाब एंड शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पेयर और इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी अगला क्वेश्चन है हो इस करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र यानी कि भी प्रजेंट टाइम भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तो ये हैं ए के सूद और इन्होंने रिप्लेस करा था के विजय राघवन को फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन टोटली ऑन सोलर एनर्जी तो पूरी तरह से सोलर एनर्जी में चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में स्थित है फुल फॉर्म ऑफ एम और ये एम भोपाल गैस ट्रेजरी से रिलेटेड है और ये हुआ था 1984 में तो एम इसका फुल फॉर्म है मिथाल आइसोसाइनेट डेंसिटी ऑफ वाटर इस मैक्सिमम एट तो वाटर का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है तो चार डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है ठीक है वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फ़ॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप इन तो दुनिया का एकमात्र और पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये खोला गया है गुजरात के जामनगर में तो इसको सेटअप किया सेटअप किया गया था आयुष मिनिस्ट्री एंड डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगला क्वेश्चन है व्हेन इस लेबर डे सेलिब्रेटेड तो हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है फर्स्ट मई को अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिज रूल इन इंडिया तो इसके लेखक है दादा भाई नेहरू जी और इनको ग्रेट ग्रेंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बिम्स्टेक समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाज होस्टेड बाई विच कंट्री तो बिम्स्टेक समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसको होस्ट करा था श्रीलंका ने हो वाज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि सी ई यू ओपन सोसाइटी प्राइज तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था के, के सैलजा को जो कि केरला से हैं अगला क्वेश्चन है वन वॉज द इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इंटू फोर्स तो इंडियन म्यूज़ियम एक्ट ये आया था 1910 में विच गैस इज़ यूज़ इन मेकिंग ऑफ़ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स तो किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है जब वनस्पति घी को बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से तो ये है हाइड्रोजन ठीक है एंड विच कैटलिस्ट इज़ यूज इन मेकिंग वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स तो यहाँ पे किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो हाइड्रोजन का एंड किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये है निकेल ठीक है एन आई निकेल अगला क्वेश्चन है विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन इन इंडिया तो भारत में कॉटन के कल्टिवेशन के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट है तो रेगूर सॉइल जिसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं वेयर इज लोनार लेक लोकेटेड तो लोनार लेक ये कहाँ पे स्थित है तो महाराष्ट्र में हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे फाइव तो किस स्टेट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फ़ाइव के अकॉर्डिंग हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है तो उत्तर है मिज़ोरम ठीक है हु वॉज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ़ द प्लानिंग कमीशन तो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के जवाहर नेहरू द वेलिटी ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय तो विंड यानी कि हवा की वेलोसिटी मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन है यून टेब स्कीम हैज़ बिन लॉन्च इन विच स्टेट या फिर यूटी तो सही उत्तर है लद्दाख तो इस स्कीम के तहत टेबलेट्स को बांटा जाता है स्टूडेंट्स के बीच वन वो मैन सिंगल टाइटल एट 2022 इंडिया ओपन चैम्पियनशिप तो इंडिया ओपन चैम्पियनशिप दो में मेन सिंगल टाइटल जीता था लक्ष्य सेन और इन्होंने हराया था लो किन यू को जो कि सिंगापुर से हैं वाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक बेसिक यानी कि छाड़िए वहीं पर अगर बात करें नन मेटल ऑक्साइड जैसे कि सी ओ टू है ना तो ये नन मेटल ऑक्साइड है और इसका नेचर होता है एसिडिक मेटल ऑक्साइड जैसे कि एम जी ओ एच का होल टू तो ये मेटल uh, ऑक्साइड है है ना एंड इसका नेचर होगा बेसिक यानि कि छाड़ी अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर कैन इन इंडिया तो भारत में गन्ने की प्रोडक्शन uh, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है तो ये होता है उत्तर प्रदेश में हु इज़ द प्रजेंट सी ए जी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो मुरमुर हैं गिरीश चंद्र मुरमुर जो कि प्रेजेंट टाइम सी ए जी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है तो गुजरात में तो जी से ग्राउंड नट एंड जी से गुजरात याद रख सकते हैं वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो वन जीरो फर्स्ट अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग तो आत्मघाती बैग के नाम से किसे जाना जाता है तो लाइसो सोम को अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कैन डिले फाइनेंस बिल सेंट बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ तो जब फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है लोकसभा के द्वारा तो राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकता है तो फोर्टीन डेज़ के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन है नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिलेटिव असेंबलीज अबोलिश बाय विच अमेंडमेंट तो किस अमेंडमेंट के तहत जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था लोकसभा एंड लेजिटिव असेंबलीज में इसको अबोलिश कर दिया गया है यानी कि हटा दिया गया है तो यह था वन जीरो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट इज़ रिलेटेड टू तो एलिसा टेस्ट यह किससे रिलेटेड है तो यह एड्स से रिलेटेड है तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और एड्स ये एच वायरस के कारण होता है तो एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वाइड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन तो कौन सा ग्लैंड जो एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों होता है तो यह है पेंक्रियास जिसका हिंदी होता है अग्नाशय हु इज द करेंट लोकपाल ऑफ इंडिया तो भारत में प्रजेंट टाइम लोकपाल कौन है तो प्रदीप कुमार मोहंती एंड पहले लोकपाल कौन थे तो पी सी घोष फॉर द माओपिक आई द डिफेक्ट इज़ क्योर्ड बाई विच लेंस तो जिनको मायोपिक यानि कि शॉर्ट साइटेड हैं उनके लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो शॉर्ट साइटेड के लिए कॉनकेव लेंस का ठीक है तो शॉर्ट साइटेड यानी कि मायोपिया तो इसमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को आ, मतलब अच्छे से दिखता है ठीक है लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको साफ साफ नहीं दिखता है टू डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ़ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी खोज करी थी माइकल फेराडे ने कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो कूनो नेशनल पार्क ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में एंड रिसेंटली इंडिया एंड नामिबिया के बीच एम साइन किया गया था जिसमें एट नावीबियन चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है अ कट ड्यू टू तो एक कटा हुआ डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है किसके कारण तो टोटल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ठीक है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस तो ड्राई आइस क्या है तो ड्राई आइस ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई ड्राई आइस कहा जाता है ठीक है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रीजनरेट्स इट्स तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो खुद को रीजनरेट्स कर सकता है तो ये लीवर है ठीक है जिसको हम हिंदी में कहते हैं यकृत अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द मॉडल ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक था और इसका मॉडल का नाम था डोमर मॉडल क्विनिन जो कि एक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है तो कोइनिन इस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम तो कोइनिन का एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है तो बार्क ऑफ द दौना तो सिंगोना जो एक आ, ट्री है इसके बार्क बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्विनिन को और इसका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीट के लिए मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है ठीक है द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ क्वेक इज मेजर्ड ऑन तो अर्थ क्वेक के इंटेंसिटी को किस पर मापा जाता है तो रिक्टर स्केल में अगला क्वेश्चन है हु वॉज़ द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया तो लास्ट मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया था बहादुर शाह उत्तिया वेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड तो रोलेट एक्ट ये पास किया गया था 1919 में पेरियर रिवर फ्लोस थ्रू विच स्टेट तो पेरियर रिवर ये किस स्टेट से पास होता है किस स्टेट से बहती है तो केरल से और ये केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है अगला क्वेश्चन है व्हेन इस ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो हर साल मनाया जाता है सिक्सटीन सेप्टेम्बर को एंड दो हज़ार इक्कीस में इसकी थीम थी कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये रिलेटेड है ओजोन से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था टू स्टॉप द यूज़ ऑफ ओ यानी कि ओजोन डिपलेटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि ए या फिर रेफ्रिजरेटर ठीक है अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स टू द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल किसी भी दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट इस्टब्लिश करने का पावर देता है तो आर्टिकल 231। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्रीज टू रिसीव वैक्सीन अंडर इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। तो भूटान एंड मालदीव्स। तो भूटान एंड मालदीव्स ये पहला दो कंट्री था जो इंडिया से वैक्सीन रिसीव किया था अंडर इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। वेन वॉज़ फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया तो भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुआ था तो एट्टीन फिफ्टी थ्री में मुंबई टू थाने अगला क्वेश्चन है वेन इज एड्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर तो हर साल फर्स्ट दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे एंड दो हज़ार इक्कीस में इसकी थीम थी एंड इनिक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स इंडिया फर्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स तो इंडिया का जो पहला कोविड नाइन्टीन वैक्सीन था एनिमल्स के लिए इसका नाम था एनोकोवैक्स और इसको डेवलप किया गया था आई सी ए आर एन आर सी ई के द्वारा जो कि हरियाणा में स्थित है वाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी तो विटामिन डी का विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। फेरॉल विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है अगला क्वेश्चन है वन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडोप्टेड तो इंडिया का नेशनल फ्लैग अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को वैन वाज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडोप्टेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेम्बली तो कंस्टिट्यूंट असम्बली के द्वारा ने, नेशनल एंथम को अडोप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को नरसिम्हन कमेटी इज़ रिलेटेड टू तो नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है तो बैंक रिफॉर्म से है ना बैंक सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है नरसिम्हान कमेटी अगला क्वेश्चन है विच प्लान इज नॉन एज द अर्थ ट्वीन तो अर्थ के ट्विन के नाम से किस प्लान को जाना जाता है तो शुक्र ग्रह को जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस प्लानट अगला क्वेश्चन है हु वॉज इंडिया फर्स्ट आई सी एस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर तो सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ़ द मिल्क ऑफ मैगनीसिया तो मिल्क ऑफ मैगनीसिया का फॉर्मूला होता है एम का होल टू यानि कि मैग्नीशियम हाइड्रो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि एन ए एच सी ओ थ्री इज़ कोल्ड तो एन ए एच सी ओ थ्री यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या होता है तो एच टी एम एल का फुल फॉर्म है हाईपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज अगला अगला क्वेश्चन है सी डेक का फॉर्म क्या है तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी यानी कि कैपिटल कब बना था तो 1911 में हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल तो पीरियडिक टेबल में सेवन पीरियड्स होते हैं एंड एट्टीन ग्रुप्स होते हैं ठीक है, है? काजिरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है तो काजिरंगा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है असम में और ये वन हॉन्ड राइनोस के लिए जाना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय तो नालंदा यूनिवर्सिटी इसको बनाया गया था कुमार गुप्ता के द्वारा विच कंपाउंड इज़ यूज इन फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है ए जी बी आर को यानी कि सिल्वर बरोमाइट को आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट गिवेन बाई तो ये दिया गया था एम एन रोए के द्वारा अगला क्वेश्चन है वाट इज़ द पी एच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर तो शुद्ध जल का पी एच वैल्यू होता है सेवन जो कि एक न्यूट्रल होता है अगर बात करें पी वैल्यू सेवन से ज़्यादा हो तो वो होता है बेसिक यानी कि छाड़ीय एंड सेवन से नीचे हो तो वो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोम इन इंडिया तो केरल बाई विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट के तहत इन एटमोसफेयर द लोवेस्ट लेयर इज़ तो एटमोसफेयर में जो लोवेस्ट लेयर होता है ये होता है ट्रोपोस्फेयर ओजोन यानी कि ओ थ्री इज़ फाउंड इन विच एटमोसफेरिक लेयर तो ये पाए जाते हैं स्टेटो इस्फेयर में विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड इन इंडिया तो बॉक्साइड का लार्जर प्रोड्यूसर हैं ओडिशा